सवाल नंबर एक, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन ए अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन बी अंजुम चोपड़ा, ऑप्शन सी फातिमा बीवी या ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। सवाल नंबर दो, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए सुष्मिता सेन, ऑप्शन बी भानु अथैया, ऑप्शन सी मदर टेरेसा या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन सी मदर टेरेसा। सवाल नंबर तीन, भारत की पहली महिला का नाम बताइए जो वकील बनी थी। ऑप्शन ए आरती साहा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी कमला देवी या ऑप्शन डी कॉर्नेलिया सोराबजी। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन डी कॉर्नेलिया सोराबजी। सवाल नंबर चार, भारत की महिला जो पहली आईएएस अधिकारी बनी थी। ऑप्शन ए अन्ना राजम मल्होत्रा, ऑप्शन बी एम फातिमा बीवी, ऑप्शन सी भानु अथैया या ऑप्शन डी किरण बेदी। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन ए अन्ना राजम मल्होत्रा। सवाल नंबर पांच, प्रथम भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए अन्ना चंडी, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी सुष्मिता सेन या ऑप्शन डी उज्ज्वला राय। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन बी किरण बेदी। सवाल नंबर छह, पहली महिला जिसने सेना पदक प्राप्त किया था। ऑप्शन ए बिमला देवी, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी डिक्की डोलमा या ऑप्शन डी मिताली मधुमिता। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन डी मिताली मधुमिता। सवाल नंबर सात, अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन सी नीरजा भनोट या ऑप्शन डी सुष्मिता सेन। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन सी नीरजा भनोट। सवाल नंबर आठ, अंग्रेजी अखबार की पहली महिला संपादक कौन थी? ऑप्शन ए पी के थ्रेसिया, ऑप्शन बी दीना वकील, ऑप्शन सी अन्ना चांडी या ऑप्शन डी इशिता लखानी। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है।
इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दीना वकील। सवाल नंबर 9, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए भानु अथैया, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी सुष्मिता सेन या ऑप्शन डी कंगना रनौत। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भानु अथैया। सवाल नंबर 10, मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए जुम्बा लहरी, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी किरण देसाई या ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय। सवाल नंबर 11, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ऑप्शन ए राधाबाई सुब्रायण, ऑप्शन बी आशापूर्णा देवी, ऑप्शन सी इंदिरा बनर्जी या ऑप्शन डी आरती साहा। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन ए, राधाबाई सुब्रायण। सवाल नंबर 12, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी आशापूर्णा देवी, ऑप्शन सी प्रतिभा राय या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आशापूर्णा देवी। सवाल नंबर 13, सुप्रीम कोर्ट में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन इंदिरा बनर्जी, ऑप्शन बी इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन सी लीला सेठ या ऑप्शन डी फातिमा बीवी। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फातिमा बीबी। सवाल नंबर 14, उच्च न्यायालय में भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए रंजना पी देसाई, ऑप्शन बी पी एन भगवती, ऑप्शन सी लीला सेठ या ऑप्शन डी आर भानुमति। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन सी, लीला सेठ। सवाल नंबर 15, भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए अन्ना चांडी, ऑप्शन बी अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन सी फातिमा बीवी या ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अन्ना चांडी।